कहावत की जबान के दर्जे पर रही है। हमारे दीनी मदारिस में एक अरसे तक गुलिस्तान बोस्तान हिकायात सादी व हकायात मौलाना रूम पढ़ाया जाता रहा है, या शायद अब भी इसका इत्माम होता है, मगर अब हालात बदल गए हैं। हम थोड़े से जदीद हो गए। उलमाए कराम से माजरत के साथ, पहले लोग दीनी तालीम हासिल करके मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इशार अहमद अहमद गामडी बनते थे, मगर हो सकता है कि अब भी बनते हों, मगर उनमें से कुछ मुफ्ती कवि बनते हैं या खुदकुश बम्बार। इससे हमारी इखलाकी मयार तरजीहात का पता चलता है। हमारी निसाबी कुतुब में कहीं कहीं इखलाकी दर्स और इस्लामी तालीमात का तज़किरा मिलता है। बच्चों की किरदार साजी को हमारे निसाब में मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती। ऐसे में इस किस्म की कुतुब का, जिसके एक किताब जो मेरे पास है कि पैगंबर की प्यारी बातें, जो अब्दुल कय्यूम बेदार साहब की फारसी से तर्जमा शुदा है, जो मेहदी आज़र यजदी की किताब है, मौलाना फारसी में जो कलाम है, फारसी में किताब है ग़ुलाम रज़ा हैदरी की, उसे हमारे कय्यूम बेदार साहब ने तर्जमा किया है। असल में ऐसे मवाद की मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं इसको पढ़ चुका हूँ, पहले छपने से पहले भी मैंने पढ़ा है उसको। मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ ऐसा अदब, ऐसी किताबें बहुत कम हैं कि जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी कही हुई बातें और उनके जो जो लोगों को बताया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अपनी आदत होती थी कि वो कहीं बैठ के नमाज के बाद, नमाज से पहले वो लोगों से गुफ्तगू फरमाया करते थे। उसमें लोग अपनी अपने मसाइल आके बयान करते थे, अपनी मुश्किलात बयान करते थे, कोई मसाइल दीनी मसाइल सुनते थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उनको एक तरीके से एक हिदायत के तौर पर, एक नसीहत के तौर पर उनको बताते थे, और जहाँ उनका जाना होता था वहाँ कुछ हिकमत की बातें भी वो बताते थे। अब ये सारी बातें हमारे इस्लामी तारीख का हिस्सा हैं, हमारे पास तहरीरी सूरत में मौजूद है, मगर शायद हमारे बच्चों की पहुँच वहाँ तक नहीं है कि ऐसी किताबें जो तारीख की किताबें हैं उन तक बच्चों की रसाई हो, क्योंकि बच्चों की जो तालीमी जो सिलसिले हैं बच्चों के, वो मेरा ख्याल है कि आधा तो 5 साल के अंदर उसका जो जहन बनना होता है, करेक्टर बनना होता है, वो बन जाता है, और बाकी आधा उसके बाद 10 सालों के अंदर। और हम लोग उसी इस पीरियड को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हम उनको घर से निकाल के स्कूल भेज देते हैं, स्कूल में किस किस्म का मवाद उनके जहनों में डाला जा रहा है, असली तालीम के हवाले से उनको क्या बताया जा रहा है हमारे दीन के बारे में, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे जो असातिज़ा हैं वो कितने वाकिफ़ हैं, वो किस किस्म का एहतमाम करते हैं, कुरान मजीद पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? हम उसका कुछ भी, मैं समझता हूँ कि एहतमाम नहीं कर पाते। वजह यही होती है कि हमारा बच्चा जब ग्रूम करता है तो उसके बाद उसके लिए जो उसने अखज़ कर लिया उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जबकि ऐसा नहीं है। तरबियत के अंदर, तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ बेदार साहब की ये जो दो किताबें हैं, ये दोनों किताबें इस किस्म का मवाद
बच्चों के लिए प्रोवाइड करने का बेहतरीन जरिया है। बच्चे बहुत आसान, अब ये जो किताब मेरे पास है, ये खूबसूरत टाइटल जिल्द के साथ, प्रिंटिंग बड़ी अच्छी है इसकी छपी है, अंदाज़े तहरीर बहुत सादा, आम आदमी बच्चा, छोटा सा बच्चा उसको समझ सकता है। और बच्चे का वो जहन जो 5, 6, 7 साल के दौरान बनता है, फिर वो उसी जो दीवार रखी गई है उसी पर अपनी शख्सियत का की तामील करता है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं तो कय्यूम बैदार साहब को और खाने फरहंग ईरान को इस किस्म का तारीखी काम करने पर मैं समझता हूँ कि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि ये तो हो गया फारसी से उर्दू में, अब यहाँ बातें हुई हमारी ज़बानों की। ईरान के साथ हमारे मज़हबी सकाफती हमसायगी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी सकाफतें आपस में मिलती हैं। मैं जब ईरान गया तो मेरी फारसी ऐसे 15 दिन के अंदर रवा हो गई, बलूची को हम लोग बोलते हैं, तो फारसी मैं तो ऐसे सीख गया, मैं नौजवानों के साथ गुफ्तगू भी करता था, हालांकि मुझे ज़्यादा फारसी नहीं आती, तो मेरे लिए उसको समझ के बोलना बहुत आसान था। तो मैं ये कहता हूँ, एक सजेशन है, एक सिफारिश कहें या एक रिक्वेस्ट है कि या तो फारसी से हमारे ज़बानों में तराजम हों, एक ये तरीका है। दूसरा, हमारे यहाँ जो ऐसी तहरीरें हैं जिसका इखलाकी पहलू निकल सकता है, उसका फारसी में तर्जमा किया जाए, वहाँ से भी हो और यहाँ से भी हो, उससे हमारे सकाफती जो गहरे ताल्लुकात हैं वो ज़बान के हवाले से, सोच के हवाले से वो बेहतर जो है ना बन सकते हैं। फारसी और यहाँ के मकामी ज़बानों की कुर्बत पे मैं नहीं बोलूँगा, मगर एक वाक़या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बैदार साहब जिस कबीले से ताल्लुक़ है उनका, हमारे यहाँ ख्वाजा खेल और दैवार कबीला है, तो वो बिरावी और फारसी को मिक्स करके ऐसे बोलते हैं। तो एक आदमी, हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि इसी तरह के दैवार जो है ना अपनी बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जैसे कि बिरावी में कहते हैं कि दूर बुरो बराह बुरो, जैसे कि बिरावी में कहते हैं दूर बुरो बराह बुरो, वो फारसी को बिरावी समझकर बोल रहा था। तो मसले की कुर्बत हमारी मौजूद है, तो इस किस्म के सकाफती रिश्ते मैं समझता हूँ इसको जारी रहना चाहिए। मैं एक बार फिर अपने दोस्त कय्यूम बैदार साहब को और खाने फरंग ईरान को इस किस्म के काम करने पर, और मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश भी है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नूर खान मोहम्मद हसनी साहब। और दिलचस्प है, जिनसे तमाम पढ़ने वाले चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सब बहुत मासूस होते हैं। इनमें अक्सर कहानियाँ इस्लामी हवाले से और हमारे सच्चे दीनी रिवायात से जुड़ी हुई है, और उनमें दिलचस्पी उस सबक के अलावा इस्लामी रंग भी नुमाया जिनसे ईमान में ताजगी पैदा होती है। एक मौतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 4,300 मजाहिब या अदियान हैं, जिनके मानने वाले या पैरोकार का अपने इन मजाहिब पर एतमाद व ईमान व एतकाद है। इसी हवाले से इस किताब में एक कहानी दोस्त के लिबास में दुश्मन में चंद एक जुमले बहुत खूबसूरत है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दीन के मुताबिक और मूसा अपने दीन के मुताबिक, कि किसी को यक नहीं कि वो दूसरे के अकीदे में मुदाखलत करे। दीन इंसानों की आसाइश के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। दीन तबाही के लिए, दीन बताने के लिए है, ख़राब करने के लिए नहीं। जब तक किसी को किसी से नुकसान न हो, उसका अकीदा उसके लिए मोहतरम है। इसी तरह मज़हब से और खुसूसन इस्लाम से जुड़ी ये कौल या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इग्रामी कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे के लिए भी पसंद न करो, इस किताब की कहानी हुक्म नाहक में ये हदीस पाक मौजूद है। इसी तरह किताब में मशहूर कहानी है मौत से फरार, जिसे
जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम के तस्करों से मुज़य्यन मौत के बरहक होने, मौत से फरार के मुतालिक कहानी भी सबक आमोज और दिलचस्पी से पुर है। किताब में कहानियों में शामिल कहानी दाढ़ी में निजात में मारूफ शख्सियत सुल्तान महमूद गजनवी के अदल इंसाफ, सच्चाई और दयानतदारी और रातों को बेस बदल कर रियासत के लोगों के हाल से बाखबर रहने के लिए गली कूचों में निकल पड़ना भी बहुत ही सबक आमोज है। इसी तरह किताब में मौजूद एक मारूफ रिवायत मूसा अलैहिस्सलाम और चरवाहा में, चरवाहा के अल्फाज बहुत ईमान अफरोज और सच्चाई पर मबनी हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा दिल खुदा की तरफ माइल है और गुनाहगार नहीं। अगर ज़ुबान बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब न कर सके और मजबूर हो तो अपनी ज़ुबान को काट दूंगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी तरह एक कहानी या रिवायत बेअक्ल व बाअक्ल में अरब बदू का ये खूबसूरत जुमला कहानी को मजीद खूबसूरती बख्शता है कि अक्लमंद इंसान वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अक्लमंद इंसान वो है जो छोटी छोटी बातें समझने लगे। मुझे इस किताब में शामिल ये कहानी बहुत ही बड़ी खूबसूरत लगी जो इख्तलाफ अंगूरी के उन्वान से है। यकीनन ये कहानी मिजाज दिलचस्पी का मुरक्का होने के साथ साथ फारसी के मशहूर मकाला यार मन तुर्की व मन तुर्की नमे दानम के मुस्ताक जुबानों के हवाले से एक बहुत खूबसूरत और दिलचस्प कहानी है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले चार मुसाफिर एक आबादी में जमा होकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, मगर आपस की ज़ुबानों से नावाकफियत की बिना पर उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक रोज़ सालन न होने की वजह से खुश्क रोटी के साथ अंगूर खाने का सबको शौक होता है, मगर उन सब के साथ पैसे न होने की वजह से सब मगमूम बैठ जाते हैं। इत्तफाक से किसी राहगुजर का वहाँ से गुजर हो जाता है और उनसे उनके आल पर तरस आता है, वो एक सिक्का उन पर अजराए हमदर्दी उछाल देता है। इत्तफाक सब ने चाह के अंगूर लाया जाए तो सबसे पहले फारसी बोलने वाले ने कहा कि अंगूर लाया जाए, मगर चूंकि बकिया तीन अंगूर के नाम से नावाकिफ थे तो उन्होंने एतराज़ किया कि अंगूर ठीक नहीं। अरबी ने कहा कि अंगूर ठीक नहीं, अम्ब लाया जाए, अनब है या अम्ब है, ऐन नून बे अनब है। मगर तुर्क ने कहा कि अंगूर वो अनब नहीं, ओजोम लाया जाए। उनका चौथा साथी रूमी ने कहा कि ना अंगूर लाया जाए, ना अनब लाया जाए, ना ओजोम, बल्कि अस्ताफील लाया जाए। लिहाजा इत्तफाक राय न होने की वजह से सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इत्तफाक से एक बूढ़े शख्स का वहाँ से गुजर होता है तो उनकी बातें सुनता है तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ये सब बूढ़े से हंसने का सबब पूछते हैं तो बूढ़ा उन्हें कहता है कि नादानो, आप सब नाहक झगड़ रहे हो, आप सब जिस चीज़ पर झगड़ रहे हो वो अंगूर ही है, यानी अंगूर, अनब, ओजोम और अस्ताफील एक ही चीज़ के नाम है, मगर आपकी ज़ुबानों से नावाकफियत की वजह से आपस में इत्तफाक नहीं हो रहा। यानी इससे ज़ुबानों की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ज़ुबानें कितनी अहम हैं और आपस में रब्त व मोहब्बत कायम रखने का कितना बड़ा ज़रिया है, और ज़ुबानें खुदा की अनमोल नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत। किताब में उन नामवर और अजीम शख्सियात के किस्से हकायात भी शामिल है जिनके तस्करे हम अक्सर सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, और इसी और इस्लामी तारीख में इन शख्सियात का मरतबा व मकाम बहुत बुलंद है, जिनमें सुल्तान महमूद गजनवी, हकीम लुकमान और इसी तरह जलील कुदर पैगंबरों के नाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसी तरह फरिश्तों के, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दीगर का जिक्र है। चूँकि बच्चों को परिंदों और जानवरों से बहुत ज़्यादा उन से मोहब्बत होती है, बच्चे शायद इसलिए भी परिंदों और जानवरों को अपने करीब रखते हैं, उनको पसंद करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह खूबसूरत और मासूम होते हैं। इस किताब में बहुत से परिंदों, तोता वगैरह का जिक्र है ताकि बच्चों की दिलचस्पी बढ़े। चूँकि बच्चों के लिए लिखते वक्त चंद बातों को खसूसी तौर पर
ख्याल रखना पड़ता है। मेरी भी दो तीन किताबें बच्चों के हवाले से और मैंने काम किया है कि जिनमें यह है कि बच्चों के लिए लिखते वक्त सादा और आसान जूद फहम अल्फाज का चुनाव किया जाए और जुमलों का सैल और आसान होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान भी सादा हो, किस्सा कहानियों का मुख्तसर होना और तवालत से गुरेज करना, इन तमाम लवाजमात का बच्चों के लिए जब लिखा जाता है तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। जबकि ये कहानियाँ चूँकि एक आयात है पहले से, वैदार साहब ने उनको तर्जुमा किया है, थोड़ी सी ये तवालत उनमें ज़्यादा है और अल्फाज भी कुछ इतने गहरे कि छोटे बच्चे शायद बमुश्किल उसे समझ सके। तो इन बातों का अगर ख्याल रखा तो रखा जाता तो किताब वैसे भी बड़ी खूबसूरत और ज़्यादा खराब खूबसूरत। किताब अदब में तर्जुमे की अहमियत व अफादियत मुसलिम है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता जो भी लिखने वाले लोग हैं। तर्जुमा न सिर्फ किसी ज़ुबान के अदब के लिए अदब के फ़रोग के लिए मौसर है बल्कि ज़ुबानों को आपस में मिलाने उनके बोलने वालों की कुर्बत व मोहब्बत का अहम तरीन ज़रिया है। ज़ेर बहस किताब भी फारसी के से तर्जुमा शुदा है और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में तर्जुमा किया गया है। किताब का टाइटल बहुत दीदाज़ेब और बच्चों के मिजाज के मुताबिक है, यानी तस्वीरें तितलियाँ फूल तस्वीर और तस्वीर है। हर कहानी के मुताबिक स्केच तस्वीर अंदर सफात पे मौजूद है और इसका जो टाइटल है बैक टाइटल बड़ा खूबसूरत है और अल्फाज किताब का साइज़ और अल्फाज का जो फॉन्ट्स है वो भी बहुत मुनासिब और यकीनन किताब 140 सफात पर मुश्तमिल एक बहुत खूबसूरत किताब है। यकीनन आप भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने दें और ये यकीन इस तरह का काम ये तर्जुमे का काम होना चाहिए ताकि ज़ुबानों की जो कुर्बत का ज़रिया है वो मुअस्सर हो सके और ज़ुबानें करीब आ सके। किताब आप सबके लिए ये बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह रहमान रहीम। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहतरम हाजी लश्करी रहसानी साहब, जनाब असन दरवेश वन कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान, और तकीज़ादा वाकफी साहब डायरेक्टर जनरल खाने फरंग इस्लामी जमहूरी ईरान, और मोहतरम साइमन बशीर साहब, और आज़ाद ख़वातीन हज़रात, आज इस तकरीब में जैसे कि पहला हिस्सा फ़ारसी और बलूचिस्तानी या बलूचिस्तान की ज़ुबानों में आमांगी इस हवाले से काफ़ी बात हुई और ये एक बहुत बड़ा मौजू है। और इसी तरह ये भी कि जो मैंने तर्जुमा किया इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये भी हमहांगी है एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में तर्जुमा करना, जैसे कि नूर खान साहब ने कहा कि फ़ारसी से दीगर ज़ुबानों में पहले भी हो चुका है, होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए, और इसी तरह दूसरी ज़ुबानों का फ़ारसी में तर्जुमा भी है। और जो कि आज का ये सेमिनार फ़ारसी और बलूचिस्तान की ज़ुबानों के दरमियान आमांगी है। बलूचिस्तान एक कसीर लिसानी सूबा है, यहाँ उर्दू राबते की ज़ुबान है, बलूची है, पश्तो है, ब्रावी है, हज़ारगी है, देवारी है, सराइकी है, ये सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हर इलाके बलूचिस्तान में हर इलाके में आप जाएं तकरीबन आप 50 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे और ये खूबसूरती ख़ासकर कोयटे में नज़र आएगी। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि जो हमारा मेहमान खसूसी आज लश्करी रहसानी साहब इन तमाम ज़ुबानों में ना सिर्फ इन ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं बल्कि बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं। और मेरे साथ कभी कभार फ़ारसी में और देवारी में जब बात करते हैं और कहते हैं कि ये अमांगी है बिरावी और देवारी की कि लट्टा ब्यार तूता बिछंड तो ये भी अमांगी है। तो इस तरह के सिलसिले ये होनी चाहिए। और वैसे भी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करना एक अच्छी रवायत है क्योंकि इससे दूसरी ज़ुबानों के अदब सकाफ़त और रवायत का पता चलता है, जिससे अमांगी और भाईचारा की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। फ़ारसी ज़ुबान से मेरी दिलचस्पी रही है, हम अपनी नानी के साथ देवारी ज़ुबान बोलते थे जो फ़ारसी ज़ुबान का एक लहजा है। और 1975 और 76 में
खाने फरंग के इसी बिल्डिंग में मैंने जब मैट्रिक किया तो फारसी की क्लासें उस वक्त भी होती थी, तो मैंने इनमें दाखिला लिया और सोहम तक मैंने फारसी पढ़ी, और ये ईरानी फारसी भी मेरे लिए एल प्लस साल बितूई, इसलिए कि जो देवारी और फारसी और फिर बिरावी में ये थोड़ा सा मिक्सचर हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको बिरावी में तर्जुमा करूँगा। उर्दू तो चूँकि हमारी राबते की ज़ुबान भी है और हमारी तालीमी तदरीसी कौमी ज़ुबान भी है, तो इससे तर्जुमा इसमें करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, फ़ारसी में मेरे लिए मुश्किल है कि मैं फ़ारसी में तर्जुमा करूँ, अब बिरावी में आसान है। और इसी तरह जब मैंने 1978 में अदब के मैदान में कदम रखा तो अपने दोस्तों के साथ एक सोसाइटी बनाई, बिरावी सोसाइटी, आज भी अल्लाह के फजल करम से कायम है, 45 साल हो चुके हैं। तो इसमें भी हम जो अलका है हमारा दोस्तों का, जैसे डॉक्टर रजाक साबिर साहब हैं जो वाइस चांसलर है तुर्बत यूनिवर्सिटी के, अफजल मुराद साहब बैठे हुए हैं, नूर खान मोहम्मद हसनी साहब हैं, वहीद ज़हीर साहब हैं, ये सारे दोस्त हुसैन भाई साजिद साहब हैं। तो ये जब अलका बनता है आप जिस माहौल में बैठते हैं कि और उसी के असरात होते हैं। अगर आप आलिमों के महफिल में बैठते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, अगर जाहिलों की महफिल में बैठते हैं तो फिर जहालत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। तो ये सिलसिला इसी तरह है, जब हमने अपने दोस्तों से हमने बहुत कुछ सीखा और ये सीखने का मरहला अब भी जारी है और ये जारी रहेगा जब तक कि इंसान ज़िंदा है। और इसी तरह जब बलूचिस्तान के जो कदीम शोरा है और यहाँ पे पहले जो रियासत कल्लात की बात हुई थी कि वहाँ की जो सरकारी ज़ुबान थी या रियासत की ज़ुबान थी वो फ़ारसी में थी, और हमारे यहाँ अब भी हमारे पास जो असराद हैं हमारी ज़मीनों के, जो कतूनी वगैरह है, ये सारे फ़ारसी में हैं। तो ये सिलसिला जारी है। फिर बिरावी ज़ुबान के में असरात हैं फ़ारसी के, बलूची के, पश्तो के, हर खत्ते के। अब क्वेटा में जो बिरावी बोली जाती है उसमें फ़ारसी और पश्तो के ज़्यादा असरात पाए जाते हैं, आप चाही की तरफ जाएं उसमें बलूची और फ़ारसी के ज़्यादा असरात पाए जाते हैं, आप जालवान और गुजदार की तरफ जाते हैं तो सिंधी के असरात पाए जाते हैं। ये ज़ुबानें एक दूसरे से असर लेती हैं, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबानों में जो दीगर ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं ये नहीं है कि हम अगर निकालेंगे तो वो ज़ुबान तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, फ़ारसी की आका वक्फी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि फ़ारसी में इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने ये कहा कि फ़ारसी ज़ुबान को अब मिक्स न करने दो अंग्रेज़ी या दूसरे से, इसमें इस्तिलाहात करें। इसीलिए कहते अगर टेलीविज़न आया तो हमने बाकायदा उसका फ़ारसी में तर्जुमा करके, अच्छा पटड़ी है राह आन कह दिया उसको, हमने इसमें इस्तिलाहात की। तो इस वजह से ये सिलसिला चलता रहा। बहरहाल अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया था कि छिट आ गई, क्योंकि सुबह से लोग वो बैठे हुए हैं और थके हुए हैं और मग़रिब का भी टाइम हुआ ना, अब तो इशा का टाइम भी होने वाला है। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।